हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशु एंड मिकी ब्लॉग्स। वेलकम टू डे 3 इन मनाली इन जून। जो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हम जून में मनाली आए थे और हम डे 3 में हम इस एयरबीएनबी में आ गए थे। ये इसकी डिटेल्स में आपको भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर इस एयरबीएनबी का। और यहाँ पे रिवर साइड में था बेसिकली, एक हिल पे जाके साइड में रिवर फ्लो कर रही थी, बहुत ही सुंदर, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा था इस एयरबीएनबी से। ये मतलब 2 BHK अपार्टमेंट है और इसके अंदर ही किचन भी मिला है एयरबीएनबी में। ये है इसका डाइनिंग हॉल, डाइनिंग एरिया, जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है बाहर की तरफ। लाइक वी कैन डू वर्क फ्रॉम होम, हमने यहाँ पे अपना शेक मंगा लिए थे, चॉकलेट शेक, बनाना शेक, और यहाँ पे व्यू के साथ इंजॉय कर रहे थे। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम आ गए थे विशिष्ट टेम्पल। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये मान्यता है कि यहाँ के मतलब कि यहाँ पे एक बात लेने से हमारी लाइक बॉडी पे कुछ भी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व सही हो जाती हैं। Can't see the end, but we'll see it through. फर्स्ट तो हमने एयरबीएनबी में कर लिया था, बट शाम को हम गए थे अलियोर ग्रैंड, जो कि एक जहाँ पे एक रिवर साइड रिजॉर्ट भी है, वहाँ पे हमने शाम को बैठ के स्नैक्स वगैरह खाए थे। बहुत ही सुंदर व्यू था, यहाँ पे ब्यास रिवर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा था। रिवर साइड पे इंजॉय करने के साथ साथ हम अपने लैपटॉप्स भी साथ में लेके आ गए थे, तो हमने सोचा साथ में वर्क फ्रॉम होम भी कर लें। इसके बाद फिर थोड़ा सा टहल के हमने थोड़ा सा खा पी के इंजॉय किया शाम तक, लाइक 6-7 बजे तक हम वहीं पे थे। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पर बैठ के, और मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शाम के बाद बहुत ठंड हो गई थी, हमने आके डिनर किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे कसौल के लिए। ये रास्ते में बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे कसौल
में के रास्ते पे। सो कसोल में हम रुके थे कैंप्स में, जो ये पार्वती रिवर है इसके रिवर साइड के थोड़े से लाइक साइड में कैंप्स हैं। इसका कैंप्स का नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा दूंगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैं चल के जा सकते हैं रिवर तक, लाइक जा सकते हैं कैंप से, रास्ता बना हुआ है रिवर को देखने के लिए, वहाँ पे किनारे पे जाने के लिए। सो हम वहाँ पे गए थे। सो ये है रिवर, हम फाइनली किनारे तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम अपना रिवर का फ्लो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लो था। सो शाम को हम निकल गए थे मणिकरण गुरुद्वारे के लिए। तो यहाँ पे सबसे लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो एक कसोल में, सो हम वहाँ जा रहे थे। सो बेसिकली वहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारा साथ एक साथ ही बने हुए हैं। यहाँ पे शिव जी ने पार्वती जी की एक वो कुछ खो गई थी, लाइक मोती वगैरह खो गया था, तो उसको निकालने के लिए मतलब उनका अपना तीसरा नेत्र खोल लिया था। तो यहाँ पे एक फिर पानी का झरना, सॉरी दैट हॉट वाटर स्प्रिंग बन गया था। ये है एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे। यहाँ पे लोग पानी में अपने चने उबालते हैं प्रसाद के लिए, और यहाँ पे मटकों में प्रसाद बनता है गुरुद्वारे का, लाइक मटकों में ही चावल उबाले जाते हैं और दाल वगैरह उबाली जाती है, ये सब बनता है। फिर हमने गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद लंगर छक के थोड़ी सी मैंने सेवा करवा दी। उसके बाद फिर हम कसोल मार्केट आ गए। कसोल मार्केट में हमने बहुत सारे लाइक चीज़ें देखी, पर्स क्लचेस वगैरह। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी मार्केट है, बट थोड़ी सी कॉस्टली है। आप इससे अच्छा मनाली में शॉप कर सकते हैं, मनाली लाइक जो मेन वहाँ रहती है मॉल रोड से। बाउनी और करूं खाना, खाली खाना हो गया, बताओ। देखो दूध
अभी अगला दिन है चेकआउट का, सो हम कसोल से भी वापस जा रहे हैं। और ये डॉगी तो हमारे मेरे बिल्कुल साथ साथ ही रह रहा है जहाँ पे भी मैं जा रही थी। तो यहाँ से मैं कुछ वो पाम ट्रीज़ में से गिर रहते हैं वो पिक करने आई थी, सो वो उसको डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो पीसीज होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं जो भी मैंने शॉपिंग करी वो भी दिखाऊंगी और जो भी मैंने यहाँ से पिक किया था कलेक्शंस वो दिखाऊंगी। सो हाँ, ये डॉगी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा पूरे इस कैंप में। या सो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।